मृतक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से 3 और 4 अक्टूबर को शहर के देशपांडे सभागृह में दूसरी प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन किया गया। इस बनावटी विधानसभा का कामकाज हूबहू राज्य की विधानसभा जैसे ही चलेगा। मृतक विदर्भ की मांग को लेकर जहां कई दफा विदर्भवादी नेता यह सड़कों पर उतरे हैं, वहीं मृतक विदर्भ राज आंदोलन समिति की ओर से शहर के वसंतराव देशपांडे सभागृह में 2 दिवसीय बनावटी विधानसभा का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हुई। इस 2 दिन चलने वाले विधानसभा का कार्यकाल बिल्कुल असली विधानसभा जैसे ही था, जिसमें मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, सत्ता पक्ष नेता समेत विदर्भ क्षेत्र से समिति ने चुने गए विधायक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से की गई, जिसके बाद शहीद हुए जवानों और आत्महत्या करने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अपने राज्य, विदर्भ राज्य, अपने राज्य, विदर्भ राज्य, अपने राज्य। हम विदर्भ राज्य प्रतिरूप विधानसभा का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आज हमारे विदर्भ के जितने मुख्यमंत्री थे, जितने नेता थे, जितने आमदार हुए, जितने खासदार हुए, इन्होंने आज तक के कहीं पे विदर्भ का विकास नहीं किया। और विदर्भ का विकास न करते हुए ये विदर्भ राज्य की मांग कर रहे। जब ये वामनराव चटर्जी, जो ये विदर्भ राज्य प्रतिरूप विधानसभा के जो अध्यक्ष अपना मुख्यमंत्री बने, इन्होंने तब क्या किया? तब क्यों नहीं इन्होंने आंदोलन किया? इनके ऊपर ऐसा क्यों टाइम आया कि विदर्भ राज्य की विधानसभा अलग लेने के लिए और इनको संघर्ष करने के लिए ये वसंतराव देशपांडे हॉल में एक सभा बुलाना पड़ा, एक विधानसभा बुलाना पड़ा? ये तो पहली बात, सब ये कायदे के विरोध में है। अगर इनको विरोध कर, इनको अगर विदर्भ का अपना विकास करना है, तो इन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में, माननीय राज साहब ठाकरे के साथ में कंधे को कंधा मिला के अगर विदर्भ का विकास करना है, तो हम लोग रास्ते में उनके साथ उतरने के लिए तैयार है और उसके माध्यम से एक संगठित महाराष्ट्र रख के विदर्भ का विकास करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और माननीय राज साहब ठाकरे ये आज भी तैयार है। लेकिन हम ये महाराष्ट्र के कोई भी हालत में 2 टुकड़े होने नहीं देंगे। जो ये 2 टुकड़े करने की कोशिश करेगा, उसको हम ये विदर्भ से भगा के रहेंगे, ये महाराष्ट्र से भगा के रहेंगे। पृथक विदर्भ राज निर्मिति के सिलसिले में विदर्भ राज आंदोलन समिति ने ये साल में पृथक विदर्भ राज मिलाएंगे ये साल, ये जो घोषणा की है उसका ही एक पार्ट करके ये विदर्भ की दूसरी प्रतिरूप असेंबली होने जा रही है। इस असेंबली के द्वारा 113 साल पुराना चल रहा जन आंदोलन, हमको ये तीसरी जनरेशन है, हम तीसरी जनरेशन के पहले किसी भी हालत में हम अभी नहीं तो कभी नहीं इस हालत से हम खत्म करना चाहते। इस आंदोलन के लिए, ये जन आंदोलन के लिए सभी लोगों का सहभाग हो, हम साथ साथ है ऐसा सहभाग हो, और हमें एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए कि भाई लगे रहो मुन्ना भाई, डरो नहीं, हम आपके साथ है, इस जन का सपोर्ट चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए विदर्भ की वायबिलिटी, विदर्भ राज्य सक्षम है, सरप्लस है, और यहाँ की साधन सूचिता, नैसर्गिक साधन संपत्ति, जंगल, होने वाले सभी आने वाले खनिज और खेती उपज, ये सब के आधार पर ये सक्षम और सरप्लस स्टेट है। इस ढंग का हम प्रबोधन विदर्भ की जनता का कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर बीजेपी पक्ष की ओर से नागपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसके मद्देनजर शहर के बर्डी क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसमें बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसी के मद्देनजर नागपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। शहर के बड़ी क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। साथ ही इन्होंने इस अभियान के चलते आसपास के लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की।
नागपुर के धंतोली स्थित दीनानाथ हाई स्कूल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस शुभ अवसर पर राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले प्रमुख रूप से उपस्थित थे, साथ ही इस दौरान उनके हाथों से पूजा अर्चना भी की गई। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बंगाली एसोसिएशन की ओर से धंतोली स्थित दीनानाथ हाई स्कूल में दुर्गा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री और जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से यह प्राण प्रतिष्ठा करता आ रहा है, साथ ही नागपुर के विकास में इस बंगाली एसोसिएशन ने अहम भूमिका भी निभाई है। लेकिन समय निकाल के किया कि बंगाली एसोसिएशन ने जिस प्रकार से हमारे नागपुर में 110 सालों से 100 सालों से स्कूलों के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से और हमारे नागपुर के जो आज ऊंचाई है, इस ऊंचाई में बंगाली एसोसिएशन ने पूरा योगदान दिया है और ये योगदान कुछ छोटा नहीं है। आज एजुकेशन सेक्टर रहे, सांस्कृतिक सेक्टर रहे, सामाजिक सेक्टर रहे, धार्मिक कार्य रहे, बंगाली एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सिटी डेवलपमेंट में, इधर के डेवलपमेंट में और हमारे सारे समाज के डेवलपमेंट में और अनेक परिवारों को, अनेक समाजों को साथ देने का काम हमारे बंगाली एसोसिएशन के पदाधिकारी ने किया है। नागपुर की शान बढ़ाने वाली और एक बात सामने आई है, जहां पर मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल 2016 की रनरअप रही लोकमुद्रा राउत का नागपुर आगमन हुआ। इस दौरान उनके परिवार समेत कई प्रशंसक वहां उपस्थित थे। नागपुर यह संतरों के साथ साथ देश के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही अब नागपुर यह मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल 2016 की रनर अप रही लोकमुद्रा राउत के नाम से भी जाना जाने लगेगा। लोकमुद्रा के आगमन के लिए उनके माता पिता समेत कई लोग नागपुर हवाला अड्डे पर मौजूद थे। इस दौरान उनके घर वालों ने बताया उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी बेटी उनका नाम जरूर रोशन करेगी। वहीं नागपुर शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष विकास ठाकरे ने बताया कि लोकमुद्रा ने नागपुर का नाम रोशन किया है, जो बहुत गर्व की बात है। तो बहुत करती हूँ और मैं खुद चाहती थी कि वो मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड लेवल तक जाए और मेरी खुद की इच्छा थी और आज वो जो उसने मेहनत की है तो कहीं वो मुझे देखते हुए भी की है कि मेरे बहन की इच्छा मुझे पूरी करनी है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि वो मेरी छोटी बहन है पर रोशन करिए, तो बहुत प्राउड फील। हमारे नागपुर के लिए नहीं, ये देश के लिए गौरव की बात है कि जागतिक स्तर पर सेकंड रैंक में आना, और मुझे लगता है कि नागपुर शहरवासियों के लिए ये बहुत सुखद घटना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की इसका ग्रैंड में पा सकती है और हम सब लोग उसका अभिनंदन करने के लिए यहाँ आए और देश के लिए, हमारे नागपुर शहर के लिए और नई मैंने हमारे क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में वो रहती है, हमारी रिलेटिव है और मुझे लगता है कि सबके लिए गर्व की बात है। Obviously nothing like home. I'm very happy to be here, and especially when you're welcome with your people, so your relatives, everyone, then you feel the sweetness of your victory definitely increases, and I'm very very ecstatic right now. I did not feel as happy at the Mumbai airport because I couldn't see my mom, my sister. She's been like a biggest supporting pillar. Yeah, so now that you see your people, it's like fantastic. Share your experience with us. What was your journey throughout? My journey was phenomenal because, you know, going to a Spanish country and when people, you cannot interact with them, and I had to learn Spanish just to go and talk to them because to be able to interact. So it has been quite an incredible and a very rare experience that it's once in a lifetime, and I'm very glad that I've got an opportunity to represent my country. At the same time, meet so many countries because it's the beauty pageant is a platform where all the cultures
cultures, all the religions and countries and languages, the whole world is standing on one stage. The beauty from the whole world. So I'm very happy to. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी जयंती केंद्र और राज्य सरकार ने बड़े ही धूमधाम से मनाई, मगर इनकी मुख्य धरोहर सेवाग्राम में सरकार ने शुरू की गांधी फॉर टुमारो, यह योजना सिर्फ कागजों पर ही अमल में लाई है, ऐसा आरोप आश्रम के अध्यक्ष जयंत मटकर ने लगाया है। देश में वर्धा जिला अंतर्गत आने वाले सेवाग्राम, यह जगह गांधी आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही हर साल इस आश्रम को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, मगर अभी तक इस जगह का विकास नहीं हो पाया है, ऐसा आरोप सेवाग्राम आश्रम चलाने वाले अध्यक्ष जयंत मटकर ने लगाया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2012 से 2013 में इस क्षेत्र का विकास करने के लिए गांधी फॉर टुमारो यह योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत गांधी प्रदर्शनी हॉल आश्रम का विकास किए जाने वाला था, मगर जिसके बाद उनकी सरकार जाकर बीजेपी की सरकार आई। मगर इस क्षेत्र के विकास हेतु सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, मगर विकास कार्य जैसे थे वैसे ही बना हुआ है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती घटने कड़े परंपरा म्हणून पाहत नाही, इतर आहेच, परंतु 2007 साली युनोने युनॅनिमसली एक प्रस्ताव पास केला, तो असा होता बा गांधी जयंती ही अहिंसा दिन म्हणून साजरी केली जावी संबंध जगामध्ये। आजही 170 देशामध्ये 2 ऑक्टोबर हा दिन जागतिक अहिंसा दिन म्हणून साजरा केला जातो। हा एक औचित्य आहेच त्याला, शिवाय आजची देशाची आणि जगाची जी परिस्थिती आहे एकूण, मग ती सांप्रदायिकता असेल, हिंसेचा उन्माद असेल, भ्रष्टाचार असेल, जीवनशैलीचा प्रश्न असेल, आतंकवाद असेल, तर ह्या सगळ्या परिप्रेक्ष्यामध्ये जर पाहायचं असेल तर गांधींच्या विचाराशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही असं आम्हाला वाटतं। सेवाग्राम विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे आणि याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली जी शिखर समिती आहे त्या शिखर समितीची बैठक 7 जुलै 2016 रोजी मंत्रालयामध्ये पार पडली आणि त्या समितीने या आराखड्याचे जे 266.53 लाख च्या आराखड्याला त्यांनी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे। त्यानंतर या योजनेवर आतापर्यंत निधी वगैरे या कार्यालयास उपलब्ध झालेला नाही। गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले तिरोड़ा स्थित अंजनीबाई झरारिया सभागृह में एक चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में विविध स्कूलों के छात्र सम्मिलित हुए थे। इसका आयोजन विविध संगठनाओं की सहायता से किया गया था। रजत जनहित विकास मंच लाइसेंस क्लब में और विदर्भ राज आंदोलन समिति की ओर से एक चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसके मद्देनजर अनेक स्कूलों के छात्र इस स्पर्धा में सम्मिलित हुए थे। स्पर्धा में आए हुए छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस स्पर्धा का आयोजन तिरोड़ा के अंजनीबाई झरारिया में किया गया था। दो अक्टूबर को जहां बीजेपी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता अभियान चलाया, वहीं दूसरी ओर नागपुर में कांग्रेस पक्ष की ओर से शहर के वैरायटी चौक पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को माल्यार्पण कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दो अक्टूबर को जहां बीजेपी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता अभियान चलाया, वहीं दूसरी ओर नागपुर में कांग्रेस पक्ष की ओर से शहर के वैरायटी चौक पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को माल्यार्पण कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नागपुर के पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
नफरतची लाठी तोडो लालच का खंजर देश प्रेमियो आपस में प्रेम करो देश प्रेमियो। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर सांगोली नगर परिषद की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहर की संजय नगर झोपड़पट्टी में इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही इस दौरान परिसर में रहने वाले लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर उन्हें भी इस अभियान में शामिल करने की अपील की गई। महात्मा गांधी जयंती 2 ऑक्टोबर निर्धार दिनाच्या निमित्ताने आपण संजय नगर या झोपडपट्टीमध्ये श्रमदानाची सुरुवात केलेली आहे। तर या निर्धार दिनाच्या निमित्ताने माझी आपणास एक विनंती आहे की आपण स्वतःही अस्वच्छता करू नका, दुसऱ्यालाही अस्वच्छ वागणार नाही, यासाठी आपण स्वतः लक्ष ठेवा। कारण आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महात्मा गांधी यांनी जे स्वच्छ भारताचे स्वप्न पाहिले होते ते आता आपणास स्वप्न पूर्ण करायचे आहे। ते स्वप्न आपली सांगोला नगर परिषद ही यापूर्वीच हागणदारी मुक्त घोषित झालेली आहे, परंतु तो हागणदारी मुक्त दर्जा घोषित दर्जा अबाधित राहणं अत्यंत आवश्यक आहे। नगरपालिकेमार्फत आत्तापर्यंत अंदाजे जवळपास 2000 लोकांना शौचालयाचं अनुदान देण्यात आलेलं आहे, परंतु असं लक्षात येते की बहुतांशी नागरिकांची शौचालय वापरण्याची मानसिकता नाही आहे। तर सर्व तमाम नागरिकांना माझे आवाहन आहे की ज्या ज्या नागरिकांनी नगरपालिकेचं अनुदान उचललेलं असेल शौचालय बांधकामासाठी त्यांनी तात्काळ शौचालयाची बांधकामं पूर्ण करून त्या शौचालयाचा वापर सुरू करावा। व आज या गांधी जयंतीच्या निमित्ताने सर्व नागरिकांनी एक शपथ घ्यावी की बाबा मी स्वतः कधीही उघड्यावर शौचास जाणार नाही, माझ्या परिसराच्या आजूबाजूला मी घाण होऊ देणार नाही। कारण प्रत्येक गोष्ट नगरपालिकेवर ढकलून चालणार नाही आहे, तर एक नागरिक म्हणून स्वतः नागरिकांचंही बरेचसे कर्तव्य आहे। जर प्रत्येक नागरिकांनी मनापासून जर स्वतःची कर्तव्य पार पाडली तर आपलं संपूर्ण सांगोला शहर हागणदारी मुक्त तसेच स्वच्छ होण्यास काहीही अवधी लागणार नाही। आणि आपण अभिमानाने सांगू शकू की हो, आम्ही हागणदारीचा दर्जा अबाधित ठेवलेला आहे आणि स्वच्छतेच्या प्रति आम्ही संपूर्ण जनता जागरूक आहोत। आज 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधीची जयंती आहे, त्यानिमित्तानं स्वच्छ भारत अभियान या अंतर्गत भारतात ठिकठिकाणी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे सर्व भारतभर स्वच्छतेचा कार्यक्रम आजपासून मोठ्या प्रमाणात राबवण्यास आपण सुरुवात केली आहे। माझं सांगोला शहरातील नागरिकांना आवाहन आहे की आपलं घर आपला परिसर स्वच्छ कसा राहील यासाठी सगळ्यांनीच प्रयत्न केले पाहिजे आणि आपल्या घरातील कचरा आपल्या घरी जे नगरपालिकेच्या मार्फत घंटागाडी येते त्या घंटागाडीत टाकून सहकार्य केले पाहिजे, नाहीतर घरातील कचरा रस्त्यावर टाकणे गटारीत टाकणे त्यामुळे आपला परिसर अस्वच्छ होतो आणि त्यामुळे रोगराई वाढण्याची शक्यता असते। तसेच डेंग्यू सदृश मलेरिया सदृश इतर जे तापाच्या साथी सुरू आहेत त्यासाठी नागरिकांनी आपल्या घरातील जे कुंड्या असतील टायर असतील टेरेसवर काही अडगळीचे सामान असेल ते स्वच्छ करून सर्व आपला परिसर व घरातील स्वच्छता करून नगरपालिकेला सहकार्य करावे आणि या स्वच्छता अभियानात सर्वांनी सहकार्य करावे असं संजय नगर येथे स्वच्छतेबाबतीत नगरपालिकेने विशेषतः मुख्याधारी आणि त्यांची कंपनी यांनी संजय नगरला भेट देऊन नागरिकांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या प्रथम आणि शौचालयाबाबतीत त्यांनी जागरूक करून शौचालय किती पूर्ण झाले आणि त्याचा वापर कसा करा त्याविषयी आम्हाला विचार केला असून त्यांनी संजय नगरमधील लोकांनी त्याचा काही अडचणी सांगून त्यांनी तात्काळ 8 दिवसामध्ये त्याची अंमलबजावणी करून स्वच्छतेला एक नंबर चालू झालेला आहे। आणि आज गांधी जयंतीनिमित्त नगरपालिका कर्मचारी त्यांची कंपनी परत तसेच संजय नगरमधील नागरिक मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन या गांधी जयंतीनिमित्त संजय नगर परिसर स्वच्छ करण्यात अतिशय योगदान दिलेलं आहे। आणि याबाबतीत वेळोवेळी असे नागरिकांना मी आवाहन करतो की ज्याप्रमाणे 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती सर्वांनी ते म्हणून श्रमदानाचं काम केलं त्याप्रमाणे आपण सुद्धा आपल्या घरापासून वैयक्तिक घरापासून परत गल्लीपासून सर्व शहर परिसर आपला स्वच्छ ठेवण्यावर सर्व नागरिकांनी सहकार्य करून